बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? आज मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल शाशलिक स्टिक। और इसके लिए चिकन लिया है मैंने आधा किलो, और इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। और 2 चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 2 चम्मच टमाटो केचप, पिसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, सफ़ेद मिर्च 1 चम्मच, 2 लेमन का जूस चाहिए मुझे, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स चाहिए। ये ऑप्शनल है, मैं चूंकि स्पाइसेस ज़रा पसंद करती हूँ इसलिए अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ये इंग्रेडिएंट्स उनसे बिल्कुल ठीक हैं। इन्हें मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके तो रख दूँगी। अब सबसे पहले मैं इसमें जो सारे मसाले हैं वो ऐड करना शुरू करूँगी। नमक डालेंगे और इसके बाद मैं इसमें शामिल करती हूँ पिसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच भर के, आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च और चिली गार्लिक सॉस ये 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही भर के टमाटो केचप के, लेमन जूस 2 लेमन का लिया है मैंने जूस, और इसके साथ ही इसमें शामिल करूंगी ये चिली फ्लेक्स और लहसुन उनसे ये मैं कूट के वो भी इसमें शामिल कर लूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। कुटा हुआ लहसुन भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब मैं इसी अच्छी तरह मिक्स करके सारी चीज़ों को ये 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। जितना इसे टाइम दिया जाएगा उतना ही अच्छा इसमें मसाला जो उनसे वो सारा रच जाएगा। जी व्यूअर्स, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख लिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे से मैंने फ्रिज में रखा है। बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है और अब मैंने इसकी कटिंग की है। सब्जियों की शिमला मिर्च चाहिए थी मुझे, उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और ये इसकी चकोर काट लिए हैं मैंने। इसी तरह इसी शेप में मैंने प्याज भी काट लिए हैं, चकोरी और टमाटर भी, इसके भी बीज निकाल लिए हैं और पाइनएप्पल लिए हैं। पाइनएप्पल की मैं कटिंग कर लूँगी, वो भी इसी साइज़ में कटिंग करें। कटिंग कर लेते हैं। पहले शिमला मिर्च का पीस, फिर इसका प्याज डाला है, अब मैं चिकन के लगाऊंगी पीसेस इसमें, और इसके साथ अब टमाटर का और पाइनएप्पल। चिकन का इसी तरह ये मैं सारी स्टिक जो उनसे हैं ये मैं रेडी कर लूँगी। फ्राइंग पैन रखूँगी चूल्हे पे गर्म होने के लिए, और इसमें तकरीबन 1 चम्मच खाने का मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी और इसे चारों तरफ अच्छी तरह फैला लूँगी। गरम हो जाएगा, गरम हो चुका है हमारा बल्कि ये फ्राई पैन। अब मैं इसमें यह स्टिक लगाती जाऊँगी, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है और कवर करके पकाएंगे। चूल्हे को हल्का कर दूँगी और ऊपर से इसे ढाँप दूँगी। चेक करेंगे इसे, एक साइड से पक चुका है, अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। हो चुके हैं शाशलिक स्टिक हमारी रेडी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये
जी विवर्स, बहुत ही मज़े की आज की हमारी डिश आपके सामने रेडी है। शास्लिक स्टिक बहुत मज़े की बनी है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो उसमें आप खुद अपने घर में हाथ से बना के तो उन्हें खिलाएं, बच्चे खुश हो जाते हैं, और मेहमान भी अगर हों आके तो वो भी खुश हो जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।